गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए अभी हम लोग यहाँ देखेंगे लॉगरिथम में। लॉगरिथम में जो कि क्लास 9 में ये आपका चैप्टर नंबर 8 है लॉगरिथम, इसमें से हम लोग 8B एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम लॉगरिथम। देखिए अगर ये आप वीडियो आप नहीं देखे हैं अगर जाके, तो सबसे पहले ज्ञानदीप स्टडी सर्कल पर जाके आप इसका प्लेलिस्ट बना हुआ लॉगरिथम का क्लास 9 जो है आपका, यहाँ पे आप 1x1 वीडियो एक्सरसाइज 8A और इससे कंसेप्ट को रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आगे जो वीडियो आपका लॉगरिथम वगैरह का आएगा वो वीडियो आप देखते रहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दिया हुआ है कि यहाँ आप देख लिए कि इसको फ्री फ्रॉम लॉगरिथम करना है। तो लॉगरिथम में एक हम लोग ये सीखे हुए बेसिक कंसेप्ट जान रहे थे कि अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है ये, तो इसको अनदर फॉर्म में हम लिखने का तरीका 3 नंबर यहाँ पे है। 3 नंबर को इसका लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग यहाँ पे बी होगा टू द बेस ए इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स होगा। ये हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं, सेम इसी प्रोसेस का यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या लिखा हुआ है और ये भी आपको पता है यहाँ पे है कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट में बात कर चुके थे कि अगर इसका बेस लिखा हुआ नहीं हो उस समय बेस आपको 10 लेना है, और ऐसे लॉगरिथमिक को हम बोलते हैं यहाँ पे कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर ये हर एक जगह पर यहाँ पे 10 बेस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं फर्दर कि लॉग एक्स टू दी पावर, यहाँ पावर रूल का यूज कर सकते हैं, यानी ये जो 2 है आपका यहाँ पे ये पावर में चला जाएगा तो लॉग एक्स स्क्वायर होगा। बेस में यहाँ 10 है नहीं कुछ दिया हुआ तो 10 मानेंगे यहाँ पे। सेम यहाँ पे है कि लॉग यहाँ पे होगा वाई इक्वल्स टू यहाँ पे होगा, अब ये 1 है, ये 1 हमको यहाँ से पूरी तरीके से लॉगरिथम को हटाना यहाँ से है। तो ये हम लोग क्या करेंगे कि इधर भी हम लोग सिंपल में ले सकते हैं यहाँ पे लॉग यहाँ पे 10 टू द बेस 10, क्योंकि दोनों का बेस हमारा सेम रखना पड़ेगा तभी यहाँ पे लॉगरिथम हटेगा, और अगर सेम दोनों रहे यहाँ पे तब इसका वैल्यू यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कोसेंट रूल यूज होगा फर्दर, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में वाई हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा लॉग 10 टू द बेस यहाँ पे 10 होगा। अब ये देखिए दोनों साइड में लॉगरिथम है तो लॉगरिथम यहाँ पे हटेगा, क्योंकि यहाँ भी लॉगरिथम में यहाँ जो बेस है यहाँ भी बेस हम लोग यहाँ पे 10 लिए हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा फर्दर एक्स स्क्वायर बाय में यहाँ पे वाई इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 10, जो कि हम लिख सकते हैं फर्दर कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाई जो है डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 10y। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 दिया हुआ है इसका यहाँ पे ये सॉल्यूशन होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10y। सेम इसी कंसेप्ट पर ये भी क्वेश्चन आपका है यहाँ पे है, तो देखिए इसका हम लोग फर्दर लिख सकते हैं कि लॉग यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा लॉग यहाँ पे हो जाएगा वाई का क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू लॉग यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे बेस भी यहाँ क्या दिया हुआ कि दिया नहीं है, तो यहाँ हम लोग 10 मानेंगे, यानी कि ये जो लॉगरिथम है ये हमारा कॉमन लॉगरिथम हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन रूल में कि लॉग ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा वाई का क्यूब टू द बेस 10 यहाँ पे है इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए टू द बेस यहाँ भी 10 होगा यहाँ पे। अब दोनों साइड से लॉगरिथम लॉग को हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका जो है, देखिए यहाँ थर्ड क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है यहाँ है कि ए लॉग एक्स माइनस बी लॉग वाई इक्वल्स टू 2 log 3। यहाँ हमेशा ये ध्यान में रखिएगा आपका लॉगर बेस नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे आप बेस 10 मान सकते हैं, ये यानी कॉमन लॉगरिथम होगा। तो फर्दर इसी चीज़ का यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि ये हो जाएगा ये जो मल्टीप्लाई ये पावर के फॉर्म में आ जाएगा लॉग एक्स के पावर में ए हो जाएगा माइनस लॉग वाई के पावर में बी इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा लॉग 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे कोसेंट रूल यूज कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स टू दी पावर ए डिवाइडेड बाय वाई के पावर में बी टू द बेस यहाँ पे है नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग 10 आपको बताए हुए कि 10 होगा यहाँ पे। ये सेम इसी तरह होगा कि लॉग ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी ये होगा आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ से दोनों साइड से लॉग हम लोग हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स टू दी पावर में ए बाय में वाई के पावर में बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 9। फर्दर इसी को लिख सकते हैं हम लोग कि एक्स के पावर में ए इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 9 वाई के पावर में बी। तो यहाँ तीनों क्वेश्चन को हम लोग देखें एक्सरसाइज
जो आपका 8B में 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका 1, 2, 3 में देखिए कि यहाँ लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ था और इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हम लोग क्या किए कि इसको हटा करके एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी फ्री फ्रॉम लॉगरिथम यहाँ पे कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे।